हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम नेक्सस पेट्स एंड एनिमल्स की तरफ से आए हैं इधर एक बहुत डिमांडिंग वीडियो देके। लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हैमस्टर्स के आए हैं, हैमस्टर्स की इन्फॉर्मेशन, हैमस्टर्स केजेस, हैमस्टर्स को रखा कहाँ जाता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हैमस्टर्स के इम्पोर्टेड केजेस आते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइंस के, मुख्तलिफ साइज़ के, और हैमस्टर्स में भी मुख्तलिफ हैमस्टर्स आते हैं। एक शॉर्ट हेयर सीजन्स होते हैं, एक लॉन्ग हेयर सीजन्स होते हैं, ड्वार्फ्स होते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं, ये ड्वार्फ्स की पिक्चर लगी हुई है। ड्वार्फ अभी कराची के अंदर जो है ना बहुत मुश्किल है मिलना, पाकिस्तान में कहीं होगा लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। ये बेसिकली ठंडे ममालिक से आते हैं, रशिया से ड्वार्फ्स ना, रशियन ड्वार्फ्स होते हैं इनको। हम रॉबर वस्की भी होते हैं इसमें, दो तीन तरह के ड्वार्फ्स हैं, ठीक है ना। एक चाइनीज़ हैमस्टर्स भी होते हैं, वो भी ड्वार्फ से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। ये असल में बहुत मुश्किल से थोड़ा सर्वाइव करते हैं बनस्बत सीरियंस के। आपको दिखाते हैं कि अब हैमस्टर्स केजेस में, ये मेरे पास कैसल सीरीज रखी हुई है, ये इंपोर्टेड केजेस हैं, ये हमारे पास आते हैं, ठीक है। ये अनअसेंबल्ड होते हैं, हम इसको असेंबल किया जाता है। अभी मैं आपको इनको अनबॉक्स करके भी दिखाऊँगा और एक असेंबल किया हुआ पीस भी दिखाऊँगा। अब जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं कि ये देखें, इस तरह का इसका डिज़ाइन है, मुख्तलिफ कलर्स में होता है ये, ठीक है। कैसल सीरीज है, ये इसका साइज़ है कि भाई ये सेंटीमीटर्स में आते हैं इंपोर्टेड केजेस जो होते हैं। असल में हैमस्टर है छोटा जानवर, तो उसके लिए चाहिए होती है बहुत छोटी जगह। बहुत से लोग जैसे बिल्ली पालते हैं, डॉग्स पालते हैं, अब बहुत से लोग को शौक तो होता है फरी बैट पालने का, लाइक रैबिट्स वगैरह हो गए, स्क्वायरल्स हो गए, लेकिन वो उसको रख नहीं पाते, उनको चाहिए बड़ी जगह। अब हैमस्टर एक ऐसा जानवर है कि आप उसको बहुत आराम से ईजिली एक छोटी सी जगह पर अपने बेड की साइड टेबल पर आप रख सकते हो, अपने स्टैंड के ऊपर रख सकते हैं आप, वॉल स्टैंड पर कहीं भी आप रख सकते हैं। इतना पोर्टेबल है कि आप इवन इसका पूरा हाउस के साथ आप कहीं भी, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं लाइक, तो आपको उसको टेंशन नहीं है खाने पीने की। आप उसका केज उठा के आराम से अपने साथ कहीं भी लेके घूम फिर सकते हैं। उसका खाना उसमें है, वाटर बॉटल उसकी होती है, एक्सरसाइज व्हील इसके अंदर होता है, इसका हाउस होता है, ऐसी स्लाइड्स होती हैं, फूड बहुत होता है। ये बहुत आराम से इजली, क्योंकि छोटी सी दुनिया है, बंदा बहुत खुश होता है। इसको टॉय पैड्स भी कहते हैं, यानी कि एक खिलौने की तरह का एक एनिमल है ये। आप इसको ऐसा खिलौने की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ किया मतलब कि आप इसको रख सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छा डेकोरेटिव पैड भी कहलाता है ये। बहुत अच्छा होता है, बहुत हाईली टेम हो जाता है, बहुत प्यार से हाथों में रहता है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। लिटिल फरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपको दिखाते हैं कि अभी हम इसको अनबॉक्स भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है, किस तरह की चीज़ें आती हैं, क्या इसकी एक्सेसरीज होती हैं। फिर इसको आपको मैं असेंबल्ड किया हुआ भी दिखाऊँगा, और कुछ हैमस्टर्स उसके अंदर रखे होंगे वो आपको हैमस्टर्स के साथ दिखाऊंगा मैं। इसका एक्चुअल साइज़ आपको आइडिया हो जाएगा। आइए अब मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ कि ये देखें, इसका असेंबल करने का तरीका इस पर लिखा हुआ है, आप गौर से देख सकते हैं कि ये किस तरह इसकी एक्सेसरीज हैं, क्या है, किस तरह की चीज़ है, इसकी ये टाइप्स हैं, इसको किस तरह लगना है। इसमें दो डिज़ाइन हैं, एक ये और एक ये। तो मेरे पास ये स्क्वायर वाला डिज़ाइन है, ठीक है, ये आया हुआ क्वांटिटी में मेरे पास ना। तो इसमें देखें, इसका असेंबल करने का तरीका है ये किस इस तरह है। अब मैं आपको इसको अनबॉक्स करके भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या एक्सेसरीज हैं, क्या निकलेंगी इसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैं उसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये देखें, ब्लू कलर में है ये, इसकी ग्रिल्स हैं, ये इसका टॉप है, इसमें भी एक गेट होता है, एक साइड में गेट होता है इसके ना। अब ये इसकी चीज़ें आ गई, ये कंट्रास्ट में होता है, कलरफुल होता है ताकि आपको इतना खुशी हो। ये देखें, इसकी फ्लोर, ये बेस आ गई, ये उसका अपना कैसल बेस आ गई, फ्लोर आ गया ये उसका, ये कैसल आ गया आपका, कैसल के एक्सेसरीज हैं ये, आपके कैसल की चीज़ें हैं। आपका फूड बाउल है, ये हैमस्टर का व्हील है, ये आपके हैमस्टर्स के क्लिप्स हैं, और ये केजेस वगैरह, ये आपकी वाटर बॉटल आ गई, और आपकी वाटर बॉटल का क्लिप आ गया, ये कैसल के एक्सेसरीज हैं, ये कोन्स हैं कैसल की, जो कैसल के ऊपर आपकी कोन्स लगेंगी ना। ये स्लाइड है, और ये इसकी बेस आ गई। मैं आपको असेंबल्ड किया हुआ पीस भी दिखा देता हूँ जी। ये मैंने आपको दिखा दिया ये किस तरह पीसेस में आता है, अब मैं आपको इसका असेंबल्ड पीस भी दिखा दूँगा, उसमें मुख्तलिफ हैमस्टर्स भी रखे हुए मैंने। आपको दिखा देता हूँ असेंबल्ड किया हुआ, ये देखें, ये ग्रीन कलर में है, ये देखें हैमस्टर ज़रा घूम रहे हैं, मैंने बहुत सारे इसमें डाल दिए थे। वैसे ये बेसिकली एक हैमस्टर के, देखिए एक हैमस्टर इसमें भाग भी रहा है, व्हील के अंदर भाग रहा है।
बहुत एक्टिव जानवर है, ये बड़ा खुश रहता है, ये मुख्तलिफ चीज़ों में घूमता है ये। और जो है ना देखें ये व्हील में भाग रहा है, ये देखें बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा क्यूट जानवर है, बड़ा बड़ा प्यारा चीज़ है। ये देखें आप, ये बेबी हैमस्टर है, ये तकरीबन ये होगा तकरीबन 4 वीक्स का है, ये अभी हुआ नहीं है, ये तकरीबन 3 वीक्स का है, ये जो व्हील में भाग रहा है ना ये 3 वीक्स का हैमस्टर है ये। और ये देखें ये 4 वीक्स के हैमस्टर हैं, ये बड़े क्यूट से फरी हैमस्टर होते हैं। ये देखिए बहुत बहुत प्यारे होते हैं, बहुत एक्टिव चीज़ है ये, माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है। देखिए शाइन कलर में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शाइन में वेलवेट कलर में है, इस पर शाइन आ रहा है। ये भागे, ये देखें ये थोड़ा मजाक कर रहा है हैमस्टर, ये देखें ऊपर चला गया। ये बड़ा प्यारी चीज़ है ये। ये इनकी वाटर बॉटल है, ये इनका फूड बॉल है, ये स्लाइड्स हैं, ये अपनी मजाक मस्ती में लगे रहते हैं, ये अपनी मस्ती करते रहते हैं। ये देखें अब ये भाग रहे हैं, ये खेल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पैट चाहिए होते हैं, हर किसी को शौक होता है पैट रखने का, तो ये बच्चों के हिसाब से बहुत बड़ा अच्छा जानवर है। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता उनको किस तरह हैंडल करना है, ये बहुत नाजुक चीज़ है ना। तो थोड़े बड़े बच्चे हों, लाइक 10 ईयर्स या 6 to 8 ईयर्स ओल्ड हों, उनके लिए बड़ा रिलायबल चीज़ है ये, कि आपका एक पैट रखने का शौक भी पूरा हो गया। एक छोटी सी पोर्टेबल चीज़ है आपके सामने, ये वाटर बॉटल लगी हुई है, इसका फूड बाउल लगा हुआ है, इसका हाउस है। इसका साइज़ है, मैंने आपको दिखाया था, इसका साइज़ था 28x21x31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और 28 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 21 सेंटीमीटर इसकी वेड है। देखिए ये इस कैसल का साइज़ है, अप्रोक्सीमेट साइज़ होता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, मोस्टली ऊपर ही होता है, क्योंकि ये असेंबल होने के बाद ऐसी बात है हल्का सा चेंजेस आती हैं। ये आप देखें मुसलसल, ये इसको पता नहीं मज़ा आ गया, ये देखें भागे आ रहा है। ये बड़े चुलबुले जानवर होते हैं, इसको खेल चाहिए, इसको खेलना है। ये अभी देखें एक्सप्लोरिंग मूड में, ये अभी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखें कि कोने में घुस गया, ये देखें ये अभी चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है। ये देखें ये आएगा, ये बड़ा खूबसूरत जानवर है, बड़ा खेलने वाला जानवर है। ये देखें अभी अंदर चला गया, ये देखें ये आ रहे, ये बड़ा बड़ा प्लेफुल एनिमल है ये, बच्चे बड़ा खुश होते हैं इसको लेके ना। इसकी डाइट भी अच्छी है, ये ओमनिवोर्स होते हैं, जो हम खाते हैं वही खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, अपना ड्राई फ्रूट हो गया आपका, कुछ भी आपने दे दिया इनको, ये ओमनिवोर्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। ये मीट भी खाएंगे, ये वेजिटेबल्स भी खाएंगे, बस हाँ इनको बचाना पड़ता है ऑरेंज वगैरह, जैसे किनू हो गया, लीमू हो गया, खट्टी चीज़ें इनको नहीं देनी होती, स्पाइस इनको नहीं देनी, मिर्च वगैरह, उससे ये मर जाते हैं, सडन डेथ हो जाती है, दही वगैरह लोग नहीं देते। और ये रूम टेम्परेचर में इजीली आपका रह लेता है, गर्मियों में भी सर्वाइव कर लेगा, गर्मियों में इनको पानी की नीड होती है। मास्टर केजेस वगैरह जैसे आप तो ब्रीडिंग सेटअप करना चाह रहे हैं, तो ये ब्रीडिंग सेटअप नहीं चलेगा इसका, ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो एज अ पेट जो लेते हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छी चीज़ है, ये रूम टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो आपका, घर के अंदर इंडोर एनिमल है ये, इसको आप गर्मी में नहीं ले जा सकते, धूप में नहीं ले जा सकते, वहाँ ये मर जाएगा, ये बड़ा नाजुक जानवर है, धूप वगैरह में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये ब्रीडिंग सेटअप वगैरह लाइक छत वगैरह पे लोग सेटअप बनाते हैं, तो उधर नहीं चलेगा ये घर के अंदर ही सेट होते हैं। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पेयर्स में नहीं रहते, ये अभी तो बच्चे हैं, ये साथ हैं, ठीक है, जैसे ही ये मेच्योर हो जाएंगे ना, मेल फीमेल बन जाएंगे, तो मेल जो हैं फीमेल्स को मारते हैं, फीमेल्स मेल्स को मारती हैं, ये इतनी सीवियर लड़ाई होती है कि एक दूसरे को मार देते हैं। ये बिल्कुल सेपरेट रहता है, एक लोग बोलते हैं यार पेयर में रखेंगे तो उदास नहीं होगा, ये रहने अकेला ही रहने वाला जानवर है ये, तो ये अकेला बड़ा खुश होता है, मेल है तो अकेला रहेगा, ये पूरे एक केज में एक हैमस्टर्स के लिए ये काफ़ी है। ये देखिए अभी तभी इसको मस्ती लगी हुई है, देखिए खेलने में लगा हुआ है, ये बिल्कुल मज़े से खेल रहा है, ये देखिए भागे आ रहा है। ये एडॉन्स होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा व्हील्स होते हैं ना अलग से लगाने के लिए, तो ये सारे इंपोर्टेड हैं, ये सब इंपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं बनता। तो ये हम इसको अनबॉक्स करेंगे, ये इसकी मार्केट वैल्यू है 1000 रुपीज़ का एक एंट्रा व्हील। ये देखें इस तरह सील पैक आते हैं, ये इसका क्लिप है, ये इसका स्टैंड है, ये डबल बियरिंग होता है साउंडलेस। हैमस्टर्स क्या करता है, इनके ऊपर भागते हैं ना, ये देखें ये पैकिंग है इसकी, मुख्तलिफ डिज़ाइन में आते हैं, तो अभी ये इस तरह पिंक कलर में है, ये डिज़ाइन है। तो ये छोटे हैमस्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए होता है, हैमस्टर्स हो गए, स्क्वायरल्स हो गई, अपना गिनी पिग्स हो गए, ये छोटे वाले होते हैं, इंग्लिश कैबीज जिसे कहते हैं। और ये साइज़ ये होता है कि केज के साथ आता है, ये बेबी साइज़ होता है हैमस्टर का, जो बेबी होता है उस हवाले से होता है, ये केज के साथ आता है इस तरह, और ये केज इस तरह पैक्ड आ गया, ये इम्पोर्ट सब इम्पोर्टेड केजेस हैं, ये छोटे हैमस्टर्स के लिए है। और ये इसी तरह अनअसम्बल्ड होता है, इसको हम असम्बल करते हैं,
ये देखें क्या असेंबल पड़ा हुआ रखा हुआ है, अभी उसको बना रहे हैं, इंशाल्लाह उसको बनाएंगे। गाइस अभी हमने आपको बताया कि किस तरह केज असेंबल होता है, कौन से केजेस से किस तरह बॉक्स मारते हैं इंपोर्टेड केजेस, और किस तरह हैमस्टर उसमें खेल रहे थे। एक आपको असेंबल्ड किया हुआ दिखाया और एक आपको अनबॉक्स करके दिखाया कि किस तरह उसमें कैसे लाता है केज आता है, कैसे उनका डिज़ाइन जो होता है इंपोर्टेड केजेस किस तरह आते हैं। कुछ सील आते हैं, कुछ जो है बॉक्स में पैक आते हैं। तो अभी इंशाल्लाह अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह बॉक्स में थे, उसको अनबॉक्स किया हमने उसमें, और फिर उसको असेंबल्ड हुआ हुआ आपको बिल्कुल तैयार केज दिखाया आपने, उसमें हैमस्टर्स किस तरह खेल कूद रहे थे, ठीक है ना। बेसिकली एक केज में एक हैमस्टर्स आता है, ठीक है ना, एक केज एक हैमस्टर के लिए होता है, उसमें दो हैमस्टर्स नहीं रहते। अब गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नया एक हैमस्टर केज है, एक नया डिज़ाइन है, वो थोड़ा बड़ा साइज़ है, उसको हम आपको प्रॉपर असेंबल्ड करके दिखाएंगे और उसका साइज़ भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा अगर आपको केजेस वगैरह बाय करना है या हैमस्टर से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नंबर मिल जाएगा हमारा, तो कि आपको हैमस्टर्स की ब्रीडिंग के हवाले से कि कोई ब्रीडिंग करना चाह रहा है तो किस तरह करें, किस तरह स्टार्टअप ले, क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है काम, और किस तरह अगर कोई ये इन्फॉर्मेशन चाह रहा है कि भाई मुझे अपने बच्चों के लिए या ख़ुद के लिए एज आ पैट लेना है तो किस तरह रखा जाएगा, उसकी केयर क्या होगी, वो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हम फ़ोन पे गाइड कर देंगे। और बाकी अगर आपको आपकी कोई डिमांड है कि भाई इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं हैमस्टर्स के, या हैमस्टर्स की केयर दिखाएं, या हैमस्टर्स की किस तरह केयर की जाती है, या हैमस्टर की कंप्लीट डिटेल बताएं, या पाकिस्तान में जो स्पीसीज हैमस्टर्स की पाई जाती है उस स्पीसीज की टाइप अगर आप बताएं, तो इंशाल्लाह हम उसको बकायदा उसकी वीडियो भी बना देंगे ऑन डिमांड। अभी तक के लिए दिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।